इधर प्रदेश सरकार गोवंश की रक्षा करने के लिए हर ग्राम सभा में गौशाला खुलवाई है तथा जगह जगह गायों को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की, मगर आज भी गाय माता सुरक्षित नहीं है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के ग्राम ईकरी का है। यहां पर कहीं से चार गायें गांव में आ गई जो कि घायल अवस्था में पड़ी हुई थी, जिनको बहुत गहरे गहरे घाव थे और वह किसी धारदार हथियार से चोटिल की गई थी। यह सभी गायें ग्राम ईकरी थाना छाछा में एक साथ बैठी थी, जहां पर एक स्वामी दीपिकानंद गिरी महाराज को सूचना मिली। गिरी महाराज तुरंत देखने को चल पड़े और फिर देखते ही देखते उन गायों को अपने आश्रम पर रख लिया और पूरी जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर विनय शाक्य को बुलाया और इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिएगा ये पूरी रिपोर्ट। देखिए मैनपुरी से एड्रेसिंग भास्कर की रिपोर्ट। मेरा नाम स्वामी दीपकानंद गिरी महाराज है, मैं निर्जनी अखाड़े से हूँ। आज मैं ग्राम ईकरी पोस्ट ज्योति जिला मैनपुरी में आया हूँ। यहाँ मुझे कुछ सूचना मिली थी कि हमारी जो कई गाय माताएं हैं, जिनमें पांच गाय माताओं को किसी ने फरसे कुल्हाड़ी से उनके मारा है, जिसमें काफी गहरे जख्म हो गए। तो मुझे ये जानकारी गांव के बच्चों द्वारा प्राप्त हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया। तो हमने डॉक्टर को फ़ोन किया पशु चिकित्सालय में और डॉक्टर को बुला के गाय माताओं का बढ़िया सा ट्रीटमेंट कराया है और उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही ट्रीटमेंट चलता रहेगा और हमारी गाय माताएं जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। जब तक हमारी गाय माताएं स्वस्थ नहीं होती हैं, तब तक हमारा ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा एक दायित्व बनता है कि हम गाय माता की सेवा करें और इनको बिल्कुल स्वस्थ करा दें। जय गौ माता।